काले छोलियां की तरी, काले छोलियां की तरी बनाने वास्ते जो समालता थोनों मैं दसदा, कुछ लोग इन्हें काले चने भी कह देंगे तो कुछ लोग इसनों काले छोले भी कह देंगे, ठीक है जी। इसनों बनाने वास्ते जो समालता थोनों मैं दसदा, दो टमाटर लते ने, हरी मिर्चा तुसी इसकी जगह लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। मैं हरी मिर्च यूज़ करूँगा, थोड़ा जहा मैं लसन लता, तो थोड़ा जी मैं अदरक लता, तुसी देख सकते हो जिन्ना क मैं लता, ठीक है जी। हल्दी है, लून है, गर्म मसाला, जे थोड़े को चना मसाला हैगा तुसी वह भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, तुसी जे थोड़ा नहीं हैगा तुसी उसकी जगह गर्म मसाला पा सकते हो। जीरा, मेथी, मेथी की जगह तुसी हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हो, यह सुकी मेथी है, कसूरी मेथी कहते जिन्होंने आप लत्ती में, तुसी इसकी जगह हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हो। दो तो तीन मैं प्याज कट्टे हुए हैं, ठीक है जी। आ तुसी देख सकते हो जो सारा समान लता मैं, और थोनों मैं कुछ दिखाना चाहना, जो आ काले छोले ने इन्हें मैं पहला कुकर च पा के 5 to 7 सीटियां मरवा लिया सी, ठीक है जी। ये देखो इस तरह आ थोड़े इस तरह नरम होने चाहिए, जो तुम हाथ दे विच पाओ तो एन पूरे अपने मसल होने चाहिए है, ठीक है जी। तकरीबन यह जो काले छोले ने मेरे 250 to 300 ग्राम छोले ने, तुसी इन्हें कुकर च 1.5 किलो पानी पा के सीटियां मरवानी है, ठीक है जी। ये गौर करनी है जिन्हें 250 to 300 ग्राम के तुम छोले लते हैं तो उस 1.5 लीटर पानी पा के कुकर के पा के उसू 7 सीटियां मरवा, जो तुम पानी नहीं भिंते है 7 to 8 भी मरवा लियो, बस थोड़े इस तरह है ना दब्बे से इस तरह दब होने चाहिए होने चाहिए। हाँ देखो मैं इस कुकर से ना थोड़ा मैं कुकर भी दिखाना चाहता, आ देखो पानी हो गया तो इन इस तरह ब्लैक होना चाहिए पानी थोड़ा, ठीक है जी। इस तो बाद अपने की करना वो थोड़ा मैं दसदा, उस तो बाद तुसी एक मिक्सी वाला कप लेना, उस दे विच आ प्याज पा लेने हैं, ठीक है जी। ये 3 to 4 प्याज कट्टे सी मैं, इस दे विच ही तुसी आ लसन ते अदरक पा देना, ठीक है। तो हुण आपां इसका पेस्ट बना देंगे, एन इस नूं बरीक कर देंगे। आ तुसी देख सकते हो मैं जो इस दे विच प्याज अदरक लसन इसका पेस्ट बना लिया, तुसी भी इस तरह इस नूं बरीक कर लेना, ठीक है जी। इस तरह तुसी इसका पेस्ट बना, थोड़ा हल्का जिहा पानी पा के इस नूं एन चंगी तरह मिक्स कर देना। इस दे विच मैं एक बड़ा पतीला ले लिया, ठीक है, तुसी भी इस तरह ही पतीला लेना, जां तुसी उस कुकर नूं खाली करके उस दे विच ही बना सकते हो, ठीक है। मैं थोनों दिखाउण वास्ते आ पतीला लता भी तां तो तुसी प्रॉपर देख सको मैं किस तरह बनाई है, ठीक है। तुसी इस कुकर दे विच भी बना सकते हो, मैं हुण आ पतीला लता, इस पतीले विच इसनूं तड़का ला के बाद विच छोले पावांगा। इस दे विच मैं इस दे विच अद्धी क कड़छी वैजीटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो भी थोड़े कोल जे सरों दा तेल दा भी तुसी इसनूं तड़का लगा सकते हैं, ठीक है जी। जो थोड़ा तेल थोड़ा जहा गर्म हो जाए फिर आप उस जीरा पा देंगे, मैं इस दे अद्धा क चमचा जीरे का पा दिता, जीरे को हल्का जहा भुनना। उस दे बाद इस दे जो अपने पेस्ट बनाया सी इस दे पा देंगे, ठीक है जी। जिन्ने टाइम च अपना थोड़ा जहा प्याज भुन होंगे उन्ने टाइम च आप की करते थोड़ा मैं दसदा, अपने उसी मिक्सी वाले कप के टमाटर के 4-4 5-5 टुकड़े करके इस दे विच पा लेने, ठीक है जी। आ देखो मैं इस दे विच टमाटर पा ले, इस दे नाल ही मैं मिर्च हरिया मिर्चा पा लूँगा। जिन्ना तुसी करारा करना चाहते हो उन्नी तुसी इस दे विच मिर्च पा सकते हैं, तकरीबन मैं इस दे विच 4 मिर्चा पाईआं, ते हुण आपां इसका भी पेस्ट बना लेंगे, एन इस नूं मिक्स कर देंगे, वह आपां बाद विच पावांगे। बस तुसी नाल दी नाल इस नूं भी हिलाउंदे रहना हल्का हल्का तां जो इह भी अपना मसाला थले ना लग सके। मैनूं हुण इस नूं 2 to 3 मिनट हो चुके सी ते मैं हुण इस दे सेक जो थोड़ा घटाता तां जो मैं हुण बाकी दे मसाले इस दे विच पा सकां, ठीक है जी। सब तो पहले आपां इस दे विच हल्दी पावांगे, मैं इस दे विच अद्धा क चमचा हल्दी का पाया, बस तुम हल्दी इस मिक्स कर देना। आ जो टमाटर है इसका मैं पेस्ट बना लिया सी, ते इस दे विच ही मैं मिर्च जो 4 to 5 इस दे विच ही मिर्चा पा दी सी हरिया मिर्चा, ये हुण मैं इस दे विच पा दूंगा, ते इसनूं भी इस दे विच थोड़ा मिक्स करके इसनूं भी 2 to 3 मिनट आपां पकावांगे। आ तुसी देख सकते हो इस मसाले को 2 to 3 मिनट हो चुके हैं तो अपना मसाला बिल्कुल रेडी है यह, ठीक है जी। तो हुण मैं इस दे विच बाकी दे मसाले पा देंगे, इस दे विच मैं इस दे विच
अद्धा चमचा गर्म मसाले का पाता, मैं थोड़ा पहले दस चुका जो थोड़े को चना मसाला है तुम वह भी पा सकते हो इसकी जगह। मैं इस एक चमचा लूण का पा दूंगा, आप इस सब मिक्स कर देंगे एक बार। ठीक है जी, तो हम आप इस तो बाद थोड़ा मैं दसदा अपने की करना। आज जो काले छोले ने आप अद्धे अद्धे कर लेंगे, अद्धे आप मिक्स वाले कप च पा के इन्हों पी लेंगे, तो अद्धे आप सीधे वो पतीले च पा देंगे। ठीक है जी, आ तुम देख सकते हो मैं दोनों अद्धे अद्धे कर ले, अद्धे मैं इस मिक्सी कप च पा ले, अद्धे आ पे ने अपना इन्हों इसनों पेस्ट जहा बना लेंगे। थोड़ा मैं दसदा अपने किन्ने बरीक करने हैं। ठीक है जी, इस हल्का जहा पानी पा देंगे। आना देख सकते हो मैं उन्होंने छोलों को बरीक कर लिया, तुम देखो अपने किन्ने के पतले, अपने भी इन्ने के पतले कर लेने। ठीक है जी, तो मैं इस जो मसाले से उस पा दिता। ठीक है जी, उस तो बाद जो अपने बाकी के छोले है काले छोले आप इस पा देंगे। ठीक है जी, जो समान पाया सारा मैं इस पा के मिक्स करता। हुण तुसीं देखना भी तुसीं इसनूं किन्नी कि तरी लाउणा चाहुंदे हो, तुसीं इसनूं किन्ना कि काठा रखना चाहुंदे हो, ते तुसीं इसनूं किन्ना कि पतला करना चाहुंदे हो। ते मैं इस दे विच तुसीं देखो मैं किन्ना कि पानी पाया, आ देखो मैं इस दे विच इन्ना कि पानी पा लिया, तकरीबन अद्धा कि लीटर तों थोड़ा घट होना पानी मैं इस दे विच पाया। अग बाल देनी, फुल अग कर देनी है, तो इसनूं दो तीन उबालियां दवा देनियां। फिर मैं इसनूं पूरे 10 मिनट उबाली दवाई है, तुसीं भी इसी तरह पूरे 10 मिनट उबाली दवानी है। मैं हुण तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा, फिर आपां इस तों बाद इस दे विच कसूरी मेथी जो थोड़े को हरा धनिया है तुम इस पा सकते हैं। ठीक है, ये पा के मैं इसनों तो इस कड़छी मारती है। तो हम मैं इसकी गैस कर दूंगा बंद, तो जो अपनी हम छोलिया की तरी है ये बिल्कुल रेड़ी है। तुम देख सकते हो अज मैं किस तरह बनाई छोलिया की तरी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है छोलिया की तरी अज जो अज बनाई है। असं अपने घर के इस तरह ही बनाते हैं, जो अज मैं थोड़ा अपने घर का स्टाइल दसिया भी अपने घर के छोलों की तरी किस तरह बनाते हैं, एक सिंपल जे तरीके बना के दसी है मैं। तो तुम मेरी इस वीडियो बारे कमेंट जरूर लिखियो, तो थोड़ा मेरी वीडियो किस तरह लगी कमेंट जरूर लिखियो, तो मेरी हो सकता मेरी इस वीडियो लाइक जरूर करो। लाइक करने सूँ बड़ा हौसला मिलता भी तुम्हें साड़ी वीडियो पसंद की है, लाइक जरूर करना, लाइक वाला बटन तुम जरूर दबना, वीडियो देखती सर लाइक वाला बटन जरूर दबो, तो सूँ बहुत चंगा लगता भी तुम्हें साड़ी वीडियो पसंद की है, लाइक वाला बटन जरूर दबो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा मेरा वीडियो देखने वास्ते, मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो के।